अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला ओडीआई 9 जनवरी को खेला जाएगा। स्क्वाड में बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, शर्जील खान की वापसी हुई है, इमामुल हक, कामरान गुलाम को ऐड किया गया, अब्दुल्ला शफीक, एहसानुल्ला न्यू कमर है, नसीम शाह, आमिर जमाल, अबरार अहमद, वसीम जूनियर, हसन अली की वापसी हुई है, शान मसूद और तैयब तैर को ऐड किया गया, शाहनवाज दानी, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज़, शताब खान, कासिम अकरम और हारिस रऊफ को शामिल किया गया। दोस्तों, ये पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड आपको मैंने बता दिया। तो पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच 9 जनवरी को खेला जाएगा। तीन वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पहला मैच भी कराची में खेला जाएगा और तीसरा भी कराची में खेला जाएगा। तीसरा वनडे मैच 13 जनवरी जुमे को ये कराची में खेला जाएगा और ये तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर को तकरीबन 3 बजे शुरू होंगे। दोस्तों, मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब।